यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर का जो टॉपिक है वह है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस डिफरेंस का पहला पॉइंट है नेचर। डेलीगेशन इज़ अ कंपलसरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। डेलीगेशन एक ऐसा एक्ट है जो कंपलसरी है करना, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल बंदा सारा काम खुद से नहीं कर सकता। किसी भी कंपनी में कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉई उस कंपनी का सारा काम खुद से अकेला नहीं कर सकता। दैट्स वाई वह बंदा अपनी कुछ अथॉरिटी शेयर करता है किसी जूनियर सबॉर्डिनेट्स के साथ में। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं डेलीगेशन। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज़ डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। डेलीगेशन क्या फंक्शन है, डेलीगेशन है कंपलसरी फंक्शन। मींस हम सभी को पता है कि कोई भी अकेला बंदा एक कंपनी का सारा काम खुद से नहीं कर सकता, इसलिए उसे कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ पावर अपना शेयर करना ही पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में। वहीं अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन है जो लिया जाता है किसके द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हमें लागू करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं डेलीगेशन की, डेलीगेशन एक कंपलसरी प्रक्रिया है जो सभी बंदा के द्वारा अपनाई जाती है। मींस हर एक सीनियर सुपीरियर बंदा अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स के साथ में अपना बर्डन, अपना वर्क, अपना अथॉरिटी शेयर करता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन से मतलब यहाँ पर डेलीगेशन में ही है बच्चों, जो हमारा सुपीरियर है उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है किसके ऊपर, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। मींस कोई भी सबॉर्डिनेट्स खुद ब खुद डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता। अगर उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना है, कोई ना कोई एक्शन करना है, तो वो किसकी परमिशन से करेगा, वो अपने सुपीरियर की परमिशन से करेगा। क्यों, क्योंकि वो किसी सीनियर के अंडर में काम कर रहा है, उसे पावर किसने दी है, उसे पावर सीनियर ने दी है। दैट्स वाई उसे सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कुछ ही परसेंट पावर है उस सीनियर बनने की और सीनियर के पास ज़्यादा पावर है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे लोअर लेवल एम्प्लॉइज़ हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास में फुल पावर होती है। मींस हर बंदे की इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फुल पावर होती है, सीनियर का उनके ऊपर कोई खास कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत कंट्रोल उनके ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में तीनों ही लेवल पर, टॉप, मिडिल और लोअर, तीनों ही लेवल पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तीनों ही लेवल के बंदे खुद ब खुद सक्षम होते हैं कोई भी एक्शन और कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इसलिए वहाँ पर सीनियर का कंट्रोल कम होता है जूनियर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जूनियर खुद ब खुद एक अच्छी खासी अथॉरिटी और पावर रखता है। नेक्स्ट है स्टेटस। इट इज़ ए प्रोसेस फॉलोड टू बी शेयर टास्क। डेलीगेशन में होता क्या है, डेलीगेशन में हम अपने टास्क को, अपने वर्क को शेयर करते हैं, अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर का, अथॉरिटी का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीनों ही लेवल पर, और यह डिस्ट्रीब्यूशन किसके डिसीजन पर होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन पर होता है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि तीनों ही लेवल पे हम सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मींस हम
हर तीनों लेवल के बंदे को फुल पावर दे देंगे एक्शन और डिसीजन लेने की, तो उससे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कोप। डेलीगेशन का जो स्कोप है वो नैरो है। नैरो क्यों है? डेलीगेशन में सिर्फ दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, एक जूनियर और एक सीनियर। सीनियर कौन होता है? सुपीरियर। और जूनियर कौन होता है? सबॉर्डिनेट्स। तो डेलीगेशन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर कितने बंदे होते हैं? इसके अंदर सिर्फ दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई इसका स्कोप क्या है? नैरो है। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, डेलीगेशन में जो सुपीरियर होगा वो कौन सा सुपीरियर होगा? इमीडिएट सुपीरियर। और सबॉर्डिनेट कौन सा होगा? सबॉर्डिनेट भी इमीडिएट सुपीरियर सबॉर्डिनेट होगा। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट उसके ऊपर वाला। मीन्स अगर हम आपको स्कूल का एग्जांपल दे, वाइस प्रिंसिपल का जो इमीडिएट बॉस सुपीरियर होगा वो कौन होगा? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का इमीडिएट सबॉर्डिनेट कौन होगा? वाइस प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, डेलीगेशन के अंदर दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, इमीडिएट बॉस और इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स। इन दोनों ही बंदों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसका स्कोप क्या है? नैरो है। अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन होता है टॉप टू बॉटम। मींस सारी पावर जो डेलीगेट कर दी जाती है वो कर दी जाती है निचले लेवल तक, लोअर लेवल तक। दैट्स वाई इसके अंदर बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं और इसका स्कोप वाइडर होता है। एंड लास्ट पॉइंट है इनके डिफरेंस का, पर्पज़। डेलीगेशन का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, मैनेजर को अपना बर्डन कम करना। भाई मैनेजर अपना वर्कलोड, अपना टास्क शेयर करता है किसके साथ में? सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अपने जूनियर के साथ में। इसका उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे? मैनेजर अपना वर्कलोड कम करता है, अपना बर्डन कम करता है। वहीं अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पज़ देखें, डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पज़ होता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स पे भरोसा जताना, उनके रोल को बढ़ाना, उनको इस लायक बनाना कि वे खुद ब खुद डिसीजन ले सके, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फास्ट डिसीजन हो और ग्राउंड लेवल के डिसीजन हो। मींस जो बंदा उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे बेहतर नॉलेज है उस डिपार्टमेंट की, रादर देन एक दूसरे और सीनियर लेवल के बंदे को। दैट्स वाई जो भी कंपनी होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन अगर फॉलो करती है तो इसमें डिसीजन किसका होता है? इसमें डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है और इसके अंदर जितने भी बंदे इन्वॉल्व होते हैं उनके पास 100% अथॉरिटी होती है एक्शन और डिसीजन लेने की। इसलिए यहाँ पे उन लोगों के पास में ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, ज़्यादा आज़ादी होती है एक्शन की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह टॉपिक पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहेंगे, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर डालता रहूँगा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की, जो आपको हेल्प करेगी 100% स्कोर करने में CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच।